तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए। धरती की चाती का लाल बाहों में ताकत आंखें जैसे पास। जंगल का दुलार। फिल्म R4 में काम करने वाले दमदार हीरो जूनियर NTR का कैसा रहा फिल्मों का सफ़र? कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है हीरो NTR को? कितने करोड़ों की फीस लेते हैं जूनियर NTR? अपनी एक्टिंग और अपनी दमदार फाइटिंग के जलवे दिखाने वाले जूनियर NTR का 20 मई को जन्मदिन है। 1983 में हैदराबाद में जन्मे जूनियर NTR अपने जामने के पॉपुलर एक्टर और आंध्र प्रदेश के CM रहे NT रामराव के पोते हैं। NTR ने अपनी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए नंदी अवार्ड, आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर और बेस्ट तेलुगु अवार्ड हासिल किए हैं। 2009 के जनरल इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के कैंपेन के बाद हैदराबाद लौट रहे जूनियर NTR की कार का नलगौड़ा में सूर्यपेट में एक्सीडेंट हो गया। बाद में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के बाद वे ठीक हो पाए थे। साल 2010 में एक वकील सिंगुलरी शांति प्रसाद ने जूनियर NTR के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। उनका कहना था कि जूनियर NTR जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। जूनियर NTR ने अपने करियर में लगभग साउथ की हर एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन भूमिका चावला के साथ अफेयर ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। जूनियर NTR अपने 18 साल के करियर में कई धमाकेदार रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्हें टॉलीवुड का सलमान खान भी कहते हैं। जूनियर NTR लंबे समय से सबसे ज़्यादा फीस वाले एक्टर्स में शामिल हैं। वह एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए लेते हैं। जूनियर NTR फिल्म राजमौली, फिल्म RRR में काम कर रहे हैं। जूनियर NTR ने साल 1996 में तेलुगु फिल्म रामायण में एक बाल कलाकार के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी के साथ जूनियर NTR SS राजमौली की आने वाली बड़ी बजट फिल्म और RR के दूसरे पार्ट R4 में भी नजर आएंगे, जिसके लिए NTR को काफ़ी पहले ही साइन कर लिया था। फिल्म RRR में NTR स्वतंत्रता सेनानी का किरदार कर रहे हैं, लेकिन R4 में इनके किरदार को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनका R4 में किरदार कैसा होगा तो देखते रहिए हमारे पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। ये कहानी लिखी है मनीषा जैन ने, धन्यवाद। और इसे रिसाइट किया है प्रशांत ने।